say my name, so my power may flow through you. Make it easy on him. Unlock your greatest power. Bones of our brothers and sisters, awake! Kandak needed a hero. एडम की सेकंड ओरिजिन किन रीजन की वजह से ब्लैक एडम हुआ करप्ट? क्या है ब्लैक एडम की सेकंड ओरिजिन स्टोरी? क्यों एडम को नहीं मिली ग्रीक गॉड पावर्स? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्रैड स्टूडियोज में। दोस्तों, जब से डीसी यूनिवर्स ने ब्लैक एडम को दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद से ही एक बहस बड़े जोरों शोरों से चल रही है कि क्या ब्लैक एडम फिल्मों में भी विलन रहेगा या एक एंटी हीरो। और सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसे सवाल उठ ही क्यों रहे हैं। तो इसका जवाब छिपा है ब्लैक एडम की कॉमिक दुनिया में, जहां उसके कर्मों की वजह से उसको लेकर फैंस के बीच उसकी इमेज ऐसी बनी हुई है। हालांकि अगर बात करें एडम की ओरिजिन की, तो ये भी काफी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि डीसी में ब्लैक एडम को दो तरह से ओरिजिनेट होते दिखाया है, यानी उसे दो तरह की पावर्स मिली और वो करप्ट हुआ। पहली स्टोरी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ एक बच्चा अमन और उसके अंकल की कहानी दिखाई जा रही है। वो एक स्लेव होता है और एक दिन अचानक से उन्हें शज़ैम की पावर्स मिलती हैं। बट अंकल इस बच्चे को चालाकी से मार देते हैं और वहीं आगे जाकर ब्लैक एडम बनता है। बट ब्लैक एडम की एक और स्टोरी है जो इससे भी पुरानी है, जिससे आप पॉसिबली इसकी ओरिजिन कह सकते हैं। यह कहानी घूमती है लगभग 1200 BC के समय में, जब राजा महाराजाओं का जमाना होता था और उसी वक्त अर्थ पर ही एक कांधार नाम का शहर था। उसमें से एक शख्स था एडम, जो असल में वहां का प्रिंस था। वो अपने उसूलों को लेकर इतना पक्का और ईमानदार था कि उसकी काबिलियत के बल पर एक विजार्ड ने उसे अपने चैंपियन के रूप में चुना। हाँ, वही विजार्ड जिसने शज़ैम को उसकी पावर्स दी थी, वही यहाँ भी इसे अपना चैंपियन चुनता है और कहता है कि मैं तुम्हें गॉड की पावर्स सर्व करूंगा। पर उससे पहले कि ये होता, वही मौजूद एक प्लेज नाम की एंटिटी ने एक छोटी सी ट्रिक खेली। ये एंटिटी ऐसी ही थी जैसे मार्वल में लोकी है, और इसकी इस चालाकी की वजह से फेथ एडम को विजार्ड के ग्रीक गॉड की जगह इजिप्शियन गॉड्स की पावर मिल गई। हालांकि उससे भी पावर्स शज़ैम वर्ड को बोलने पर ही मिलती थी, बट शज़ैम की तरह वो ग्रीक गॉड से सुमोन नहीं होती हैं। अब यहाँ से टेथ एडम बना माइटी एडम, जो उसके बाद वहीं के किंग प्रिंस गुफू को सर्व करने में लग जाता है। लेकिन एक दिन अचानक से इनके शहर पे एक मैड विजार्ड आक्टोन हमला कर देता है, और उसी हमले में एडम की बीवी और उसका बेटा मारा जाता है। और अग्नि देखने के बाद एडम इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि सबसे पहले वो आक्टोन को ढूंढता है और उसे बड़ी बेरहमी से मार देता है। लेकिन वो यही नहीं रुकता, उसे यहाँ भी शांति नहीं मिलती। वो ये सोचने लगता है कि अब मैं ही हूँ जो दुनिया की पूरी बुराई को मिटा सकता है। और इसके पहले कदम में वो सबसे पहले तो कांधार शहर की गवर्नमेंट को ही पलट देता है, यानी वहाँ के किंग को बुरी तरह से मार देता है और खुद उस पर राज करने लगता है। साथ ही वो इतना अग्रेसिव हो जाता है कि दुनिया के कई शहरों और राज्यों को वो पूरा का पूरा खत्म कर देता है। इन सब राज्यों को देख विजार्ड्स इतने परेशान हो जाते हैं कि वो उसे गुस्से में एडम की सोल को कैद कर लेते हैं और उसकी पावर्स को एक स्कैरम में बैंड कर देते हैं, और वही उसे एक दीवार या ताबूत में दफना दिया जाता है। और बस यही वो सालों या सदियों तक वहीं पड़ा रहता है। लेकिन फिर आखिर वो कैसे वापस आता है, या क्या उसे कोई दोबारा जिंदा करता है? इन सवालों के जवाब भी आपको मिलेंगे बहुत जल्द, बस थोड़ा सा वेट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।